ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी एपीएमसी न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। जैसा कि हमने बताया पहले मराठी में भी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज खास इसलिए हमने बुलाया था कि इसमें हमारा जो सेंट्रल यूनिट है क्राइम ब्रांच की, और क्राइम ब्रांच के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनके मार्गदर्शन में पूरे यूनिट ने अधिकारी कर्मचारी, उसमें हमारे एसीपी चौहान साहब हैं, पीआई कुलटकर, एपीआई गज्जर और बड़े से बहुत से उसमें कर्मचारी हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाल के हमारे पास एक नेरूड़ में केस हुआ था 420 और 406 के कलम के अंदर में केस हुआ था। उसमें ऐसी एक गैंग थी जो यहाँ पे लोगों को एक ट्रैवल्स पॉइंट करके कंपनी खोली थी उन्होंने, और उसमें लोगों की गाड़ियों को भाड़े पे लगाने का उन्होंने, लोगों की जो गाड़ियाँ थी, गाड़ी मालकों को गाड़ी लेकर के भाड़े पे लगाते थे और वो सोशल मीडिया पर उनको कांटेक्ट करते थे और लोगों को अपील करते थे कि जिसको अपनी गाड़ी भाड़े पे लगानी हो वैसे गाड़ी लेकर के 2-3 महीने वो उसको भाड़ा देते थे। उसके बाद में ये जो लोग थे ये सारी गाड़ियों को बेच करके यहाँ से भाग जाते थे। तो बेसिकली ये एक 420 फसवणूक का जो केस है, ये चीटिंग का और क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट विश्वासघात का, कि हमने गाड़ी दी लगाने के लिए भाड़े पे और गाड़ी परस्पर हमको बिना बताए किसी और को बेच के चले गए। तो इसमें टोटल अभी 5 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया इस केस में। उसमें एक जो सत्य प्रकाश वर्मा है जो कि ऊपर जो मेन आरोपी है, 3 उसमें से एक है सत्य प्रकाश वर्मा, इसको इन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से अरेस्ट किया। जहाँ रहता था वहाँ पर उसी बिल्डिंग में हमारे लोगों ने रूम लेकर के रहे कुछ दिन, उसके बाद में वहाँ पर उसको अरेस्ट किया। दूसरा उसमें जो 2 आरोपी थे, पुजारी और इसका जो मेन सरगना एक है जो राहुल उर्फ अयन उर्फ एंथनी, इसको इन्होंने बेंगलोर से अरेस्ट किया होटल में से। वहाँ भी हमारा जो पुलिस अपने कर्मचारी थे वो वहाँ पे वेटर का काम किया, उन्होंने वेटर के रूप में होटल में काम करके जब वो आया होटल में तब उसको वहाँ पे अरेस्ट किया। तो ये 3 लोगों को अरेस्ट करने के बाद में, पुजारी एंथनी और वर्मा को अरेस्ट करने के बाद में पता लगा कि इसमें और भी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और ये जो गाड़ियाँ हैं इन्होंने बेचा हुआ है सब, उनके जो मालिक है उनके साथ पेपर ऊपर लेकर उन्होंने गाड़ी बेची हुई है। और इसमें जो 2 रिसीवर थे, मोहम्मद वसीम और जावेद अब्दुल सत्तार, ये सूरत और दमन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये बहुत सारी गाड़ियाँ ये गुजरात में इन्होंने जाके गाड़ियाँ बेची भी हैं और गाड़ियाँ वहाँ पर और तरीके से डिस्पोज भी किया हुआ है। तो ये टोटल इनको अरेस्ट करने के बाद में इसमें 2 करोड़ 2 लाख के करीब 20 गाड़ियाँ अभी तक हम लोगों ने उसमें उनको मिली हैं, और ये गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हैं। इसमें से 9 कार ऐसी भी हैं जो गुजरात में वहाँ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने, वहाँ के कलेक्टर ने, उन्होंने सीज किया हुआ है। उसमें वो इसी इन गाड़ियों को लेकर के वहाँ से दारू की तस्करी करते थे। अवैध जो तस्करी है वहाँ पर, चूँकि प्रोहिबिशन है गुजरात में तो उसमें ये गाड़ियों यूज़ करते थे, तो ये गाड़ियाँ वहाँ भी उन्होंने सीज की हुई है। कुछ गाड़ियाँ वहाँ सीज की हुई हैं, करीब 81 लाख की गाड़ियाँ वहाँ सीज की हुई हैं। ऐसे हमारे पास टोटल करीब 9 गुना दाखिल है जो महाराष्ट्र में अभी जो हमारे सामने अभी तक जो निष्पन्न हुआ है। इसमें हमारा केस है यहाँ का नेरूर का, इसके अलावा दिंडोसी, एरोडा पुणे, दिंडोसी मुंबई और आपका अम्बोली, ओसीबरा, आज़ाद मैदान, विरार, वर्ली, ऐसे 9 गुना हमारे सामने अभी तक निष्पन्न हुए हैं। और हमको पता है कि इसमें या ऐसी उम्मीद है कि इसमें और भी कई लोगों की गाड़ियाँ और इन्होंने ऐसे
फसौड़ू करके बेचा होगा, चीटिंग करके, फ्रॉड करके। और इसमें एक और बात है कि इसमें जो मेन आरोपी है एंथनी, अपने को बचने के लिए और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको मिसगाइड करने के लिए, वो दुबई का सिम कार्ड यूज़ करता था, बेंगलोर में वहीं पे रहता था अक्सर, और ये अंतर्राज्यीय टोली इंटर स्टेट गैंग है। और ये महाराष्ट्र में उन्होंने कई जगह, अभी यहाँ से जा कर के उन्होंने अंधेरी में फिर अपना एक कंपनी खोला था। तो वैसे इन्होंने लोगों को फंसा करके, बहुत सारे लोगों को फंसाया है और गाड़ियों को जा करके बेचा है या गाड़ी कहीं और डिस्पोज किया है, पैसे लेकर किसी और काम में लगाया होगा। और इसमें पूरे हमारी जो टीम है बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से तपास करके बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा सराहनीय काम है। मैं सब पूरे टीम का अभिनंदन करता हूँ अपने क्राइम ब्रांच के, थैंक यू। अभी देखो दो चीज़ें इसमें हैं कि एक तो उनको पता नहीं रहता है कि हम बाद में ऐसे ठगे जाएंगे, उनकी गाड़ियों को लगता है कुछ पैसा मिल जाएगा, महीने में कुछ इनकम हो जाएगी या गाड़ी का EMI भर देंगे, वो उसके हिसाब से देते होंगे, तो उनको पता सर नहीं होगा। लेकिन अभी ये चूँकि पता लग गया है और इसके पहले भी ऐसे केसेस पहले भी हुए होंगे, पहले भी गाड़ियाँ सीज हुई होंगी, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। तो आप मेरा एक पहला अपील है कि अगर जिसका गाड़ी ऐसा गया होगा वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमको इन्फॉर्मेशन दें। तो अगर गाड़ी हमारे पास में हो गया इन्वेस्टिगेशन में और कहीं मिलने के चांस हैं तो उनको हम रिकवरी करेंगे, उनको हेल्प करेंगे गाड़ी उनको मिलाने में। और दूसरा, थोड़ा सा उन्होंने प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जिस कंपनी में वो लगाना है वो कंपनी कब से वहाँ पे है उसको वेरीफाई कर लें, वो लोग स्थायी हैं कि अभी कितने दिन से, अभी इनका तो पूरा 2-3 महीने ही सिर्फ पूरा कंपनी खोलते हैं। और नीचे जो इसमें लड़के लड़कियाँ जो यंग वो एम्प्लॉय करते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता है, उनको लगता है कि वो तो सेल्स मैन और सेल्स गर्ल के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनको पता करना चाहिए कि ये बंदा जो हमको दे रहे हैं वो बंदा कैसा है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, ये कंपनी कब से हमारे यहाँ पे है, जिस आदमी के थ्रू दे रहे हैं वो आदमी कब से है, कौन है, पहचान का क्या है। वो थोड़ा सा हम जब कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ा पता करके करना चाहिए, तो उससे चांस है कि शायद ऐसा नहीं फंसेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी गैंग होगी, फंसाना चाहती होगी, तो उस झांसे में आकर कभी कभी फंस सकते हैं लोग। लेकिन कोशिश कर लें कि लोग उनका एक्सीडेंट चेक कर लें जो लोग हैं। या ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी APMC न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।